उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के ब्लॉक निंदूरा ग्राम सभा निंदूरा से आने वाली प्रधानी चुनाव में कमलेश यादव उतरे, जो पिछले 15 सालों में इन्होंने ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ कार्य किए थे। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि मैं अब वोट दूंगा तो कमलेश यादव को ही दूंगा। आने वाली प्रधानी चुनाव में कमलेश यादव द्वारा ग्राम सभा निंदूरा से प्रधानी का चुनाव के उम्मीदवार है। इनसे संवाददाता शुभम गुप्ता से खास बातचीत हुई, आइए सुनाते हैं आपको। आपका KBPN न्यूज चैनल में मैं शुभम गुप्ता। इस वक्त मौजूदगी हमारी है राजधानी लखनऊ के सटे जिला बाराबंकी ब्लॉक निंदूरा ग्राम सभा निंदूरा से एक नए प्रत्याशी प्रधान के तौर पर उतर गए हैं, जो कि कमलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और गरीबों के लिए और ग्रामीणों के लिए काफी उन्होंने मदद की है 15 साल पहले, आइए इनसे जानते हैं। और पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। ये जो आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2021 में, और इसमें क्या रणनीतियाँ रहेंगी और क्या गरीबों को बेरोजगारों को क्या आप दे पाएंगे? देखिए, चुनाव में अपने जो 15 साल का हमारा कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के आधार पर जो मैंने काम किया उसको ध्यान में रख के मैं चुनाव में उतरा हूँ। पब्लिक का सपोर्ट चाहेंगे भाई, हमारे काम को प्राथमिकता देते हुए अगर मैंने काम किया है पब्लिक के लिए तो काम हमारा पब्लिक देख रही है, उसके आधार पर अगर पब्लिक चाहेगी तो चुनाव अच्छा होगा और उम्मीद है जीतेंगे। तो आपका मंशा क्या कहता है कि पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, ग्रामवासी तंत्र आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है पब्लिक हमारे साथ है, चुनाव जीतेंगे। तो आप प्रधानी लड़ने जा रहे हैं तो आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? भाई, अगर पब्लिक हमें अच्छा सपोर्ट दे करके और चुनाव जितवा देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं को ऐसे स्वरोजगार से जोड़ूं ताकि उनकी कुछ आमदनी हो सके। उसके लिए चाहे मुझे जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जिस अधिकारी से मिलना पड़ेगा तो मैं सही में मिलूंगा। ये हमारे साथ खास मेहमान के साथ कमलेश यादव जी, कैमरा पर्सन पायल मिश्रा के साथ शुभम उत्तर लखनऊ।